तो लास्ट लास्ट क्या पढ़े थे, मॉस लॉ के बारे में बात कर रहे थे ना, मॉस लॉ के एप्लीकेशन किए थे और उसके पहले क्लास में मॉस लॉ क्या होता है उसको समझे थे। आज के क्लास में मॉस लॉ में हमें कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे मिल सकते हैं एग्जाम्स में, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है, E vector is equal to 6i cap plus 3j cap plus 4k cap. Calculate the electric flux through a surface of area 20 unit in yz plane. कैसे करना है? यहाँ पे क्या बोला है? अगर इसको थोड़ा pictorially हम represent करें solution में, मान लो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z, है ना? और क्या बोला है, एरिया वेक्टर किस प्लेन में है, एरिया किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में, है ना? वाई जेड प्लेन कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये आपका वाई जेड प्लेन होगा। चलो अब अगर वाई जेड प्लेन ये है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, बोलते हैं ना वाई जेड प्लेन में है, तो आइदर इसका इस तरफ हो सकता है, मतलब ऐसे हो सकता है, या फिर इसके पीछे ऐसे हो सकता है। अब वाई जेड प्लेन में अगर है तो आपका एरिया वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लेट मान लो एरिया है एस, एस विल बी इक्वल टू, ये तो चलो बोल दिया मैग्नीट्यूड उसका गिवन है 20 यूनिट, लेकिन अब उसका डायरेक्शन भी तो रिप्रेजेंट करना है क्योंकि वाई जेड प्लेन में है, तो डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन कैसे बनाए। अब यहां से जो चीज नॉर्मल होगा, मैं क्या बोल रहा था, एरिया वेक्टर क्या होता है हमेशा, अगर कोई भी मान लो जैसे ये कॉपी है, मान लो ये कॉपी है, अब इसका एरिया वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, इधर से जो परपेंडिकुलर होगा या फिर नीचे से जो परपेंडिकुलर होगा, सरफेस से जो परपेंडिकुलर होकर ऊपर निकल रहा होगा वो होता है एरिया वेक्टर। तो अगर इसका एरिया वेक्टर निकाले तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, एक्स डायरेक्शन में जाएगा। अगर इस प्लेन का एरिया वेक्टर निकाल ले तो वो क्या किस डायरेक्शन में जाएगा, आइदर पॉजिटिव एक्स या फिर नेगेटिव एक्स। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, एस का डायरेक्शन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एस इज इक्वल टू 20 आई कैप लिख सकता हूं। आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जे कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई को, और के कैप जेड एक्सिस को। इतना तो याद होगा ना, होगा। चलो अब यहाँ पर क्या पूछा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स फाइ इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये होता है। अब ई वेक्टर यहाँ पे आपको कितना गिवन है, ई वेक्टर आपको गिवन है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये गिवन है। बस लिख लो 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इनटू s, कितना हो गया 20i कैप, ये हो गया। डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, अगर इसे दो वेक्टर हो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दो वेक्टर ऐसे गिवन है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, i कैप का i कैप के साथ, j कैप का j कैप के साथ, k का k कैप के साथ, याद आ रहा है कुछ। अब यहां पे as because मेरे पास सिर्फ आई कैप है तो जे कैप की जगह पर क्या होगा, जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, ये होगा ना। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 × 2 = 12, 120, ये हो गया। अगर यहां पर कुछ दूसरे वैल्यूज होते तो क्या होता, प्लस 0 × 3, अगर मान लो 2 j कैप होता तो 2 × 3, अभी लेकिन क्या हो जाएगा, 0 + 0 दैट विल बी इक्वल टू कितना, 120 यूनिट होगा या नहीं होगा। तो फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना आ गया, 120 यूनिट। अगर यहां पे कुछ दूसरे वैल्यूज होते तो कैसे मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप के साथ, पता है याद नहीं होगा, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन इसीलिए मैं ये टाइप ऑफ क्वेश्चन निकालना यहां पर करवाया,
ठीक है, ताकि 11 का थोड़ा याद आ जाए। तो इसका आंसर या फ्लक्स थ्रू द प्लेन कितना हो जाएगा, 120 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, मान लो क्वेश्चन जो है ना, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ 17.7 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब यहाँ पे एक नया टर्म तुम लोगों को सुनने को मिल रहा होगा, सर फ्लक्स डेंसिटी क्या है? आपने तो फ्लक्स के बारे में बात की थी, फ्लक्स डेंसिटी के बारे में तो बताया नहीं था। तो बच्चे ये देख के थोड़ा घबराया जाता है, कोई ज्यादा कोई बड़ा चीज नहीं, बस देख समझ लो क्या करना है। यहां पर हमें गिवन क्या है, चार्ज गिवन है, क्यू इक्वल टू कितना गिवन है, 17.7 माइक्रो कूलम। इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो कूलम में माइक्रो के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, माइक्रो अगर होता है तो क्या मल्टीप्लाई होता है, 10 to the power -6। तो 17.7 इंटू 10 to the power -6 कूलम। चलो, और रेडियस यहां पर कितना गिवन है, रेडियस यहां पर गिवन है 0.5 मीटर। अब फ्लक्स का फॉर्मूला हमें क्या पता है, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, कहां से, फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस थ्योरम। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, फ्लाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। हाँ प्रिंटिंग मशीन, फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब चार्ज हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता होता है ना, बस वैल्यू नोट कर लो कितना हो जाएगा, 17.7 इंटू 10 to the power -6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 to the power कितना, सब याद नहीं, वैल्यूज याद रखो, हालांकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन में मिल जाते हैं वैल्यूज, लेकिन उतना तो याद रह जाना चाहिए। -12 इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 to the power -12 ऊपर तो 10 to the power 12, तो ये हो जाएगा आपका 10 to the power 6 और इधर 17.7 डिवाइडेड बाय 8.85 कैलकुलेट कर लेते हो, 2 into 10 to the power 6 और फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, कूलम, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलो ये तो मुझे फ्लक्स मिल गया, लेकिन हमें तो फ्लक्स पूछा नहीं है क्वेश्चन में, हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या, फॉर जो अगर इधर हम देखें, हमने चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करी, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज डेंसिटी अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी होता था उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता था उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, अल्फा नहीं, अल्फा नहीं होता, नोट्स देखो एक बार, सरफेस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए क्या, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और लैम्डा इक्वल टू क्या होता था, डी क्यू अपॉन डी एल, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, एक यूनिट लेंथ पे होने वाला चार्ज उसको हम बोलेंगे चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, एक यूनिट लेंथ में होने वाला चार्ज। तो वैसे ही फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, फ्लक्स किसके अंदर रहता है, फ्लक्स हमेशा कब कैलकुलेट कर सकते हैं, जब वो क्लोज्ड सरफेस के अंदर हो, मतलब थ्री डायमेंशनल सरफेस के अंदर हो, क्लोज सरफेस के अंदर अगर है तो फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, और टोटल चार्ज अपॉन
अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करता हूं तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करता हूं तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। वैसे ही फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। एरिया क्यों, क्योंकि वो एक एरिया के अंदर चार्ज एनक्लोज होता है हमेशा, समझ आ रहा है। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, फ्लक्स डेंसिटी तो हम क्या लिख सकते हैं, होता है टोटल फ्लक्स अपॉन टोटल एरिया। अब यहां पे टोटल फ्लक्स हमें यहां से मिल गए 2 × 10⁶ डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, किसके अंदर है, एक हॉलो स्पीयर जिसका रेडियस कितना है 0.5 मीटर, तो स्पीयर का रेडियस कितना होता है 4πr² होता है, 4 × π × 0.5 का होल स्क्वायर जो होता है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना आ जाए 6.36 × 10⁵ न्यूटन पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, S1 and S2 आर टू कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स एनक्लोजिंग क्यू एंड 2Q रेस्पेक्टिवली। इसको जरा डायग्राम से समझते हैं। मान लो एक स्पीयर है S1 and S2, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, स्पीयर्स है। मान लो ये हो गया S1, ये एक स्पीयर हो गया, ये एक स्पीयर हो गया। मान लो S2 ये हो गया आपका S1, ये उनका मान लो सेंटर हो गया, ठीक है। क्या बोला है, एनक्लोजिंग चार्जेस क्यू एंड 2Q रेस्पेक्टिवली, मतलब इसके अंदर चार्ज कितना है क्यू और इसके अंदर चार्ज कितना है 2Q, ठीक है। अब मान लो इसका रेडियस आपका हो गया R1 और इसका रेडियस आपका हो गया मान लो R2, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। तो पहले हम फ्लक्स थ्रू S1 निकालते हैं, फ्लक्स बिटवीन, फ्लक्स थ्रू S1 कितना हो जाएगा, मतलब ∅1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितना चार्ज है Q, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब S2 कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू S2 तो मान लो ये ∅1, तो ∅2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, गलत। फ्लक्स का फॉर्मूला डेफिनेशन हमेशा याद रखना, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, या गॉस थ्योरम क्या बोलता है, गॉस थ्योरम यही बोलता है कि फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू नॉट या नेट चार्ज क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट हम कल से कर रहे हैं परसों से, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट मतलब उस स्पीयर के अंदर टोटल कितने चार्जेस है। तो S2 के अंदर टोटल कितने चार्जेस है, 2Q + Q चार्जेस है। तो फ्लक्स थ्रू S2 ∅2 विल बी इक्वल टू 2Q + Q 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। अब इनका रेशियो निकाल दो, ∅1 अपॉन ∅2 विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाय 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट गेट्स कैंसिल, क्यू अपॉन 3Q, Q गेट्स कैंसिल, तो 1/3। तो उनका रेशियो कितना आ गया, 1/3 या 1:3। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या पूछा है, बिट 2 में हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्पीयर S1 चेंज इफ ए मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S1 इन प्लेस ऑफ एयर। मतलब क्या बोला है, अब मान लो ये एक स्पीयर है और ये एक स्पीयर है, इसमें थोड़ा इमेजिन करना, ये एक स्पीयर है और ये एक स्पीयर है, ठीक है। अब यहां पे भी हवा भरा होगा, इसके
या फिर मान लो वैक्यूम है या फिर मान लो एयर है। अब मैंने क्या किया, मैं यहां से वैक्यूम S1 के अंदर जो वैक्यूम था उसको हटा के मैंने क्या किया, मैंने एक डाइलेक्ट्रिक उसके अंदर डाल दिया। अब पूछा भाई सर डाइलेक्ट्रिक क्या है, इसको हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो बोलो भाई सर अभी क्यों करवा रहे हैं, क्वेश्चन आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 2 से ऐसे नहीं देता, क्वेश्चन आपको 2-3 चैप्टर मिला के भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो इस चैप्टर में गॉस लॉ यूज हो रहा था इसलिए मैंने डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट दे दिया। बस इसमें मैं जो करूंगा उसको याद रख लेना, चैप्टर 2 में मैं डाइलेक्ट्रिक जब पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा कि क्या हो रहा है या डाइलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टी क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात भी किए थे शायद स्टार्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास में बात की। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता था, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक इंसुलेटर का प्रॉपर्टी होता था वो कितना अच्छा इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो होता था। कंडक्टिविटी क्या होता था एक कंडक्टर कितना अच्छा कंडक्टर है, कंडक्टिविटी वही बता था। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में हालांकि और भी डिटेल में हम चैप्टर 2 में बात करेंगे। चलो यहां पर क्या बोला है कि सरफेस 1 के अंदर से मैंने वैक्यूम निकाल के उसके अंदर क्या डाल दिया, उसके अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डाल दिया जिसका वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है के। ठीक है, तो पूछा है हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 चेंजेस। तो S1 में जब मैं एयर को निकाल के जब मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो S1 में फ्लक्स का क्या चेंज होगा। तो V2 में लेट द न्यू फ्लक्स बी फाइव वन डैश। ठीक है, और फाइव वन, अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम कोई डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर या डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। कैसे होता है क्या होता है वो चैप्टर 2 में बात करेंगे। ठीक है, क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से। तो दैट विल बी फाइव डैश विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ ई बाय के इंटू डीएस, ये होगा या नहीं होगा। अब इधर से 1/k ये तो एक कॉन्स्टेंट है, अब बोलो सर ये कौन सा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी, तो ये फॉर्मूला है लाइन इंटीग्रल ऑफ ईडीएस। तो इसी एज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। तो ई अपॉन के इंटू डीएस, अब 1/k कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ले आओ, 1/k कॉन्स्टेंट लाइन इंटीग्रल ऑफ ईडीएस, और लाइन इंटीग्रल ऑफ ईडीएस किसके बराबर होता है फ्लक्स के बराबर होता है फाई के बराबर, और फाई हमने यहां पे क्या निकाला हुआ है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दैट विल बी इक्वल टू 1/k इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। तो चेंज इन फ्लक्स, अब हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस, हाँ तो यहाँ पे हाउ पूछा कितना चेंज हो, मतलब कैसे चेंज होगा, तो इतना करके छोड़ सकते हो। और अगर यहाँ पर पूछता व्हाट इज द चेंज, मतलब कितना चेंज हुआ तो क्या करोगे, ये माइनस ये सब्सट्रैक्ट कर दो तो चेंज आपको मिल जाएगा। समझ में आया। उसके बाद बिट 3 में क्या पूछा है, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्पीयर S1 चेंजेस इफ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S2 इन प्लेस ऑफ एयर। अब यहां पे क्या किया गया थर्ड केस में, पहले इसके पहले वाले केस में क्या किया गया था, यहां पे मैंने कॉन्स्टेंट डाला था डाइलेक्ट्रिक डाला था इसके अंदर। अब मैं क्या करूंगा, अब यहां पे एयर है, मैं ये वाला जो एरिया है ना S2 वाला जो एरिया है उधर डाइलेक्ट्रिक डालने की कोशिश, उधर डाइलेक्ट्रिक डालूंगा। तो उधर डाइलेक्ट्रिक डालने पे
पूछा है हाउ विल द फ्लक्स थ्रू S1 चेंज, मतलब अगर मैं इधर डालूंगा डायरेक्टरी तो इसमें क्या चेंज होगा। अगर पूछता कि इसमें डायरेक्टरी डालने पे S2 पे क्या चेंज होता है तो हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। लेकिन अभी यहां पे क्या पूछा है कि इधर डायरेक्टरी डालने पे S1 में क्या चेंज हो रहा होगा, ये पूछा है, तो आंसर है नो चेंज। अब पूछोगे सर कैसे या क्यों, क्योंकि फ्लक्स हमारा, फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इसके अंदर मतलब एक सरफेस के अंदर नेट चार्ज जितना है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैं अगर इसके अंदर मैंने कोई चेंजेस नहीं किया चाहे वो चार्ज में हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो इसमें S1 के थ्रू फ्लक्स में क्यों चेंज हो, चाहे आप कहीं पे भी डायरेक्टरी डाल दो। लेकिन अगर मुझे पूछता कि S2 में क्या चेंज होगा अगर आप यहां पे इस एरिया में फ्लक्स डालते हो तो मैं ये वाला मेथड जो प्रीवियस मेथड किया था उसी मेथड से मैं यहां पे निकाल देता। लेकिन एज बिकॉज यहां पे पूछा है यहां पे फ्लक्स डालने पे इधर क्या चेंज हो रहा है तो आंसर है कुछ भी चेंज नहीं है। समझ में आया पक्का, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है तो लिख लो साइड में। चलो गॉस लॉ में हमें और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लो पहला क्वेश्चन क्या है मैंने चार्ज ऑफ 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए लार्ज सीट ऑफ एरिया 200 मीटर स्क्वायर, फिर कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट इन द एयर। ये क्वेश्चन पूछा है। अब यहां पे हमें क्या क्या गिवन है, पहले इन चीजों को लिख लेते हैं। चार्ज कितना गिवन है, क्यू, क्यू हमें कितना गिवन है 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए लार्ज सीट ऑफ एरिया, एरिया ऑफ द सीट, एरिया ऑफ द सीट कितना गिवन है 200 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करना है E, और अगर जहां तक मुझे याद आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लार्ज सीट का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लार्ज सीट क्या हुआ करता था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ करता था फॉर्मूला हमने निकाला हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड का। कल जब हम लास्ट क्लास जब हम एप्लीकेशन कर रहे थे वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लार्ज इनफाइनाइट लार्ज सीट निकाला था। हाँ, तो यहां पे हमें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो पता है, वो तो डाल देंगे, टू का वैल्यू भी पता है, टू का वैल्यू कितना होता है, टू होता है ना, हाँ टू का वैल्यू 1.5 होता है नहीं ना, हाँ तो सिग्मा, बस सिग्मा चाहिए। अब सिग्मा कैसे निकालेंगे, सिग्मा बेसिकली होता क्या था, सिग्मा क्या होता था, सिग्मा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता ना, होता था या नहीं होता, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया dQ अपॉन dS होता ना, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। अब टोटल चार्ज कितना है 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कितना है 200। अब इसको अगर सॉल्व करो कितना आ रहा है, देखो -6 इतना आया साइड, हाँ इतना ही आया कूलम पर मीटर से। अब इसको हमें यहां पर क्या था वैल्यू पे पुट करना है,
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा कितना हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 2 इनटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 × 10⁻¹⁰ −12 सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 8.85 गेट्स कैंसिल 1/2 कितना होता है 0.5 × 10⁻⁶ ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁶ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल गया 0.5 × 10⁻⁶। अब यहां पे सोच रहे हो गए सर क्वेश्चन में यहां पे गिवन है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट इज एयर, इसका तो कहीं पे यूज नहीं हुआ, जरूरत नहीं क्योंकि जरूरत नहीं है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप डेरिवेशन भी देखो लास्ट क्लास हम जो एप्लीकेशन कर रहे थे वहां पे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा था। ठीक है लिख लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट सरफेस। चलो यहां पे रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना गिवन है, सॉल्यूशन पे आते हैं, रेडियस आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 0.12 मीटर। तो चार्ज कितना गिवन है Q is equal to 1.6 × 10⁻⁷ कूलम। अब यहां पर पूछा है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये क्या है स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर मतलब ये स्फीयर है। ठीक है अब स्फेरिकल कंडक्टर अब क्या पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन मी इनसाइड द स्फीयर। जब मैं कल लास्ट क्लास बता रहा था मैंने क्या बोला था, अगर एक कंडक्टर हो कंडक्टर में अगर हम चार्ज रखेंगे तो चार्ज कहां शिफ्ट हो जाते हैं उसके सरफेस पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इनसाइड द कंडक्टर या इनसाइड द स्पीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0 होगा क्योंकि वहां पर कोई चार्ज नहीं है। तो बिटवीन में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। चलो उसके बाद बी टू पे, बी टू में क्या बोला है जस्ट आउटसाइड के लिए क्या होगा, जस्ट आउटसाइड मतलब ओवर द स्फीयर। अब यहां पे आप क्या देखो किसके लिए देखोगे फॉर्मूला, सेल के लिए। अब यहां पे मैं एक बात और बता देता हूं, सेल के लिए जो फॉर्मूला एप्लीकेबल था सॉलिड स्फीयर के लिए, कंडक्टर का सॉलिड स्फीयर के लिए भी वही एप्लीकेबल है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है तो जस्ट आउटसाइड द स्फीयर मतलब अगर रेडियस उसका आर है तो आर बराबर उसके सरफेस से थोड़ा दूर, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो कितना होगा, क्या फॉर्मूला है Q/4πε₀ × R² और कैपिटल आर स्क्वायर क्या होता था रेडियस ऑफ द सेल होता था, तो क्या फॉर्मूला था Q/4πε₀ या इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस क्या हो जाएगा 1/4πε₀ × Q/R² यहां पे कैपिटल आर क्या रिप्रेजेंट करता था रेडियस ऑफ द सेल या रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4π, T का वैल्यू क्या होता था 9 × 10⁹ इंटू क्यू कितना है 1.6 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर रेडियस 0.12 × 0.12। सॉल्व करो कितना आ रहा है सेक्शन 10⁵ है न्यूटन पर कूलम। चलो बिट टू में, बिट थ्री में क्या पूछा है,
बिक्री में पूछा है एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर, मतलब ये ऑब्वियसली ये कहां की बात हो रही है, अगर रेडियस आपका 12 सेंटीमीटर है तो ये 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब स्पीयर के बहुत दूर, मतलब बाहर की बात हो रही है। मतलब इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल टू 1/4πε0 × Q/r² ये फॉर्मूला था या नहीं था, था। अब यहां पे स्मॉल r इज इक्वल टू कितना है 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू कितना मीटर, 0.18 मीटर, ये होगा वैल्यू पुट कर दो 9 × 10⁻⁷ × 1.6 × 10⁻⁷⁻⁷ / 0.18 × 0.18। इसको सॉल्व करोगे तो 4.44 × 10⁴ N/m इतना आंसर है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 18 सेंटीमीटर दूरी पर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे अब यहां पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सुलभ से बन सकते हैं, तो क्या करना, इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 भी खत्म होता है। ठीक है, चैप्टर 1 जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड था, इसी के साथ आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन और थ्योरी वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी आपके पास होगा, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन चाहे वो बैक क्वेश्चन हो या फिर एग्जाम्पल जो अंदर टेक्स्ट में होता है ना, बुक के बीच बीच में एग्जाम्पल्स होते हैं, हर एक एग्जाम्पल्स को और हर एक बैक एक्सरसाइज को आपको करना है। देखो आप करोगे नहीं होगा, आप आके मुझे पूछोगे तभी मैं डाउट क्लियर कर सकूंगा, मैं बार बार नहीं पूछने वाला कि ये नहीं किया, छोटे बच्चे और नहीं है। ठीक है, आप उसको करना, डाउट आए पूछा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कल के कल मुझे भी। आप करो आपका मत जब भी हो, मतलब ऐसा नहीं कि एक साल बात करोगे ट्वेल्थ खत्म होने के बाद, जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करना, वो दैट डिपेंड्स ऑन यू आप कब करोगे। ठीक है, लेकिन जितना जल्दी कर लोगे उतना बेहतर है, क्योंकि याद हो, और अगर याद नहीं है तो क्या करना, नोट्स पढ़ना, नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी एक बार रीडिंग कर लेना, रीडिंग करते करते उसके बाद में एग्जांपल्स आते हैं, एग्जांपल्स कर लेना, और दो दिन में बुक पढ़ना खत्म हो जाएगा, एग्जांपल्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज कर लेना। ठीक है, उसके बाद इतना करने के बाद क्या करना है, टेनियर खरीदोगे नहीं खरीदोगे, ठीक खरीद ले, ठीक है, या फिर मैं भेज दूंगा आईएससी का फोटो भेज दूंगा चैप्टर वन का खरीद लेते, ठीक है मैं भेज दूंगा, तो उसमें से क्वेश्चन कर ले, उतना कर लो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, बाय।